बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग अपनी बुक इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल थ्योरी पार्ट वन शेर मोहम्मद चौधरी की बुक से चैप्टर नंबर 9 कॉन्टीन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए आज की एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज के सब्जेक्टिव पार्ट से। ये पेज है पेज नंबर 387 के ऊपर, जिसके क्वेश्चन नंबर 9.1 की आपके पास पार्ट ए की स्टेटमेंट है, फाइंड द मीन वेरिएंस एंड द एमजीएफ ऑफ द यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले आपने यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का मीन वेरिएंस और एमजीएफ सॉल्व करना है। ये मैं आपको करवा चुकी हूँ, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। पार्ट बी की आपके पास स्टेटमेंट है, फाइंड द मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन एंड द फर्स्ट फोर मोमेंट्स ऑफ द रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑन -1/2 to -1/2। सबसे पहले आपने एमजीएफ फाइंड आउट करना है और उसके बाद फर्स्ट मोर मूवमेंट्स फाइंड आउट करना है रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन। रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन को आप लोग यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं, जिसकी आपके पास इन्होंने रेंज दी हुई है -1/2 to -1/2 तक। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9.1 के पार्ट बी का सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं और इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 9 के कॉन्टीन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के एक्सरसाइज से। क्वेश्चन नंबर 9.1 के पार्ट बी से स्टार्ट हम लोग लेंगे। सबसे पहले आपने रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ लिखना है, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने पीडीएफ मेंशन नहीं किया हुआ। तो आपने यहाँ रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि जिसका सेकंड नेम है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, आपने उसका पीडीएफ लिखना है, जो कि आप लोग लिखेंगे f(x = 1। रेंज है आपके पास -1/2 to -1/2 तक। ये मैं आपको सॉल्व किया वही समझाऊंगी ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को कवर अप कर सकें। नेक्स्ट आपने सॉल्व करना है एमजीएफ। तो एमजीएफ का आपके पास फार्मूला होता है कॉन्टीन्यूस के अकॉर्डिंग एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ etx = -∞ to ∞ etx f(x)dx। इस f(x) की जगह पर आपने अपना फंक्शन लिखना है, जो कि है 1। आप यहाँ 1 लिखेंगे, dx से मल्टीप्लाई होकर वही चीज़ आ जाएगी etx 1 dx। रेंज आप लिखेंगे -1/2 to -1/2 तक। उसके बाद आपने इसको सॉल्व करना है। ये ऊपर आपके पास पार में है t, तो ये 1/t नीचे आ जाएगा, ये etx बन जाएगा और ये -1/2 ऊपर आ जाएगा और -1/2 नीचे आ जाएगा। अब आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपने इस x की जगह पर 1/2 और फिर -1/2 पुट करना है। जब आप इस x की जगह पर 1/2 पुट करेंगे, ये आ जाएगा t/2 माइनस e की पार्ट, और सेकंड वाला -1/2 था, तो ये आपके पास हो जाएगा -1/2। ये आपके पास रेंज यहाँ पर जब आप पुट कर देंगे तो ये आपके पास ख़त्म हो जाएगी। नेक्स्ट आपके पास 1/t एज इट इज़ आएगा। अब आपने क्या करना है कि जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ और आपको ये चीज़ मैं पहले भी पढ़ा चुकी हूँ कि अगर आपके पास e की पार्ट, लेट सपोज आपके पास यहाँ पर आपके पास थीटा है, तो आपके पास ये सीरीज़ बनती है 1 θ + θ² / 2 θ³/3 / 3 ऑन। अब आपने सपोज कर लेना है कि आपके पास यहाँ थीटा की जगह पर जो है वो है t/2 और -t/2। सबसे पहले आप t/2 के अकॉर्डिंग लिखेंगे तो वो आपके पास कैसे आएगा, 1/2 आपके पास बाहर एज इट इज़ आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास आएगा 1 प्लस इस थीटा की जगह पर आप लिखेंगे t/2 प्लस इस थीटा स्क्वेयर की जगह पर आ जाएगा t/2 का स्क्वेयर, जो बन जाएगा t² / 4। 2 का स्क्वेयर होता है 4 और 1/2 factorial आपके पास ये साथ साथ एज इट इज़ चलेगा। नेक्स्ट आपके पास 1/3 factorial आप एज इट इज़ बाहर ले लें, थीटा क्यूब की जगह पर आ जाएगा t³/2³। t³ आपके पास एज इट इज़ आएगा, 2³ आपके पास होता है 8, वो आपने ऐसे लिख दिया प्लस ऑन माइनस। अब सेकंड आपने -t/2 के अकॉर्डिंग करना है, तो ये आपके पास बन जाएगा e की पार सबसे पहले आपके पास आ जाएगा 1, फिर नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास -t/2, नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा +1/2 factorial। यहाँ पर आपके पास आ जाएगा t² / 4, जो आपके पास ऑड सीरीज़ है वो आपके पास माइनस में आ जाएंगे, क्योंकि आपके पास जो इवन सीरीज़ है वो डबल माइनस माइनस होकर प्लस बन जाएंगे। तो ये आपके पास जो ऑड सीरीज़ है वो आपके पास माइनस के साथ आ जाएंगे, जो इवन सीरीज़ है वो आपके साथ प्लस के साथ आ जाएंगे। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है कि आपके पास यहाँ माइनस साइन है, अब आपने ब्रैकेट्स ओपन कर देनी है। अब आपके पास इस फॉर्म के बाहर माइनस है, जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो जो चीज़ आपके पास माइनस की है वो प्लस में चेंज हो जाएगी और जो प्लस की है वो माइनस में चेंज हो जाएगी। आप लिखेंगे यहाँ पर 1 t/2 + 1/2, क्योंकि आप यहाँ पर ओपन 1/2 factorial t² / 4 +1/3 factorial t³/8 +8 माइनस। आप यहाँ से नेक्स्ट ही ब्रैकेट ओपन किया, ये आ जाएगा माइनस +t/2 -1/2 factorial t² / 4 -1/3 factorial t³/8। इस तरह से आप यहाँ लिख देंगे। अब जो माइनस वाली टर्म्स है, माइनस प्लस वाली, वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। जैसा ये माइनस और ये प्लस था, ये कैंसिल हो जाएगा। ये 1/2 factorial t² / 4, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, क्योंकि ये माइनस की है और ये प्लस की है। बाकी ये वाली टर्म्स कैंसिल नहीं होंगी, क्योंकि ये प्लस की है। अब ये t/2 और ये t/2 आपके पास हो जाएगा 2t/2 और ये आपके पास हो जाएगा यहाँ पर 2/3 factorial t³/8। अब आप प्लस ऑन,
अब आपने यहाँ से क्या करना है कि जो 2 हर फॉर्म में आ रहा है आपने यहाँ बाई टी कॉमन ले लेना है, ये आपके पास हो जाएगा 2 बाई टी, अंदर आ जाएगा टी बाई 2 प्लस 1 बाई 3 फैक्टोरियल टी क्यूब डिवाइडेड बाई 8 प्लस सोन। इस तरह से ये आपके पास एक सीरीज़ बन जाएगी। अब आपने नेक्स्ट क्या करना है कि आपने इस 2 बाई टी को अंदर वाली सब टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले जब आप टी बाई 2 के साथ इस 2 बाई टी को मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। नेक्स्ट ये हो जाएगा 2 बाई टी 3 फैक्टोरियल टी क्यूब डिवाइडेड बाई 8 प्लस सोन। अब ये वाली फर्स्ट टर्म कैंसिल आउट होगी, पीछे रह जाएगा 1, यहाँ से टी क्यूब इस टी से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बन जाएगा, और ये 2 इस 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये आ जाएगा टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई 4। और नेक्स्ट वाली सीरीज़ है वो आपके पास है टी 4 डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 16। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपके पास यहाँ पर जो ऑड मोमेंट्स होते हैं वो आपके पास जीरो होते हैं, यानी कि म्यू 1, म्यू 3, म्यू 5, म्यू 7, म्यू 9, इस तरह से जो भी आपके पास मोमेंट्स होंगे वो आपके पास जीरो होंगे। बाकी जो इवन मोमेंट्स हैं वो आप लिख सकते हैं। सबसे पहले आपने म्यू 1 और म्यू 3, उन्होंने आपको कहा है कि आपने फर्स्ट फोर मोमेंट्स सॉल्व करने हैं, तो आपने म्यू 1 और म्यू 3 को कह दिया जीरो, क्योंकि ऑड मोमेंट्स हैं वो। अब आपने म्यू 2 और म्यू 4 लिखना है। म्यू 2 आपने कैसे लिखना है कि ये आपके पास टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल है। आपने यहाँ से टी स्क्वायर को एलिमिनेट यानी कि उसको नहीं देखना, बाकी आपने 3 को 4 से मल्टीप्लाई करवाना है, ये हो जाएगा 1 बाय 12, जो कि आप म्यू 2 में लिख देंगे। और ये आपने म्यू 4 के लिए करना है, 5 को 16 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, ये आ जाएगा 1 बाय 80। तो यहाँ तक आपके पास फर्स्ट फोर मोमेंट्स और MGF भी सॉल्व हो गया है, क्वेश्चन नंबर 1 भी यहाँ तक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अब हम लोग सॉल्व करते हैं 9.2। अब नेक्स्ट हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 9.2 का पार्ट ए, जिसके आपके पास स्टेटमेंट है डिस्क्राइब द एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड ड्राइव इट्स मीन एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन। ये इसका एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में भी मैं आपको बता चुकी हूँ, और इसका मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन भी मैं आपको प्रूव करवा चुकी हूँ। इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। पार्ट बी हम लोग करते हैं, सपोज द एवरेज लेंथ ऑफ लाइफ ऑफ अ कलर टेलीविजन ट्यूब इज 12 मंथ, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द लेंथ ऑफ लाइफ इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 18 मंथ्स, एज्यूम एन एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। आपने इस क्वेश्चन में अप्लाई करना है एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपके पास मीन यानी कि एवरेज की वैल्यू है 12 मंथ। आपके पास एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन में जो मीन होता है यानी कि म्यू, वो मैंने आपको ड्राइव भी करवाया है, वो इक्वल होता है 1 बाय लैम्डा के। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास 1 बाय लैम्डा इक्वल आ गया है 12 के। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 1 बाय लैम्डा आपके पास इक्वल आ गया है 12 के। और आप लोगों ने प्रॉबिलिटी सॉल्व करनी है कि आपके पास प्रॉबिलिटी एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू हो 18। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9.2 का पार्ट बी का सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं और इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9.2 के पार्ट बी के सॉल्यूशन में सबसे पहले आपने यहाँ मीन जो कि इन्होंने एवरेज कहा हुआ है वो है 1 बाय लैम्डा, जो कि आपके पास इक्वल है 12 के। तो आपके पास यहाँ से लैम्डा इक्वल आ जाएगा 1 बाय 12 के, क्योंकि आपने यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकाल लेनी है, क्योंकि आपके पास जो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो फार्मूला होता है यानी कि PDF होता है वो होता है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी लैम्डा ई की पावर माइनस लैम्डा एक्स डी एक्स। आप लोगों ने सॉल्व करना है प्रोबेबिलिटी एक्स इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 18। तो आप यहाँ पर अपना, इसका मतलब ये है कि आपके पास जो रेंज है वो इन्फिनिटी तक जा रही है, लेकिन आपने स्टार्ट करनी है 18 से, 18 टू इन्फिनिटी तक। और आगे आपने क्या करना है कि आप यहाँ पर अपना PDF लिखेंगे एक्सपोनेंशियल का, जो कि है लैम्डा ई की पावर माइनस लैम्डा एक्स डी एक्स। अब इस लैम्डा की जगह पर आप 1 बाय 12 पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा इन्फिनिटी टू लैम्डा 1 बाय 12 ई की पावर माइनस एक्स बाय 12 डी एक्स। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है कि फर्दर आप इसको सॉल्व कर लेंगे, आपके पास इसका आंसर आ जाएगा e की पावर माइनस x बाय 12। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ पर आपने इन्फिनिटी और 18 पुट करना है। इन्फिनिटी जब आप पुट करेंगे तो इन्फिनिटी किसी भी जगह पर आपके पास सॉल्व नहीं हो सकती, वहाँ पर आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 0। और नेक्स्ट आपने यहाँ x की जगह पर पुट कर देना 18, 18 बाय 12 आपके पास इक्वल आता है -1.5। तो ये बन जाएगा 0 प्लस e की पावर -1.5। आप कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे e की पावर -1.5, तो आपके पास आंसर आ जाएगा प्रोबेबिलिटी x इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 18 का 0.223130। यहाँ तक आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 9.2 का पार्ट बी भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9.3। क्वेश्चन नंबर 9.3 के पार्ट ए की स्टेटमेंट है, इफ x हैज एन एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बाय f(x) इज इक्वल टू 1 बाय 2 e की पावर माइनस एक्स बाय 2, जिसके आपके पास रेंज है 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। सबसे पहले आपने सॉल्व करना है मीन वेरियंस MGF ऑफ x, उसके बाद आपने कैलकुलेट करना है प्रोबेबिलिटी x इज ग्रेटर देन 3 एंड प्रोबेबिलिटी x इज ग्रेटर देन 5 गिवन दैट प्रोबेबिलिटी x इज लेस ग्रेटर देन 2। सबसे पहले आपने इस PDF के अकॉर्डिंग इसका मीन वेरियंस MGF सॉल्व करना है, उसके बाद आपके पास जो प्रोबेबिलिटी है प्रोबेबिलिटी x इज ग्रेटर देन 3 यानी कि जो आपके पास रेंज होगी वो 3 से लेकर इन्फिनिटी तक चली जाएगी, उसके अकॉर्डिंग आपने सॉल्व करना है। और यहाँ पर आपके पास जो रेंज है वो 5 टू इन्फिनिटी हो जाएगी और यहाँ पर आपके पास 2 टू इन्फिनिटी हो जाएगी।
और उसके पार्ट बी के आपके पास स्टेटमेंट है द डिस्टेंस एक्स आई इन किलोमीटर्स ट्रेवल बाय कस्टमर्स टू द चीप सुपरमार्केट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड विद द डेंसिटी फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/5 ई की पावर माइनस एक्स बाई फाइव, जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक आपके पास रेंज है, जीरो एल्सवेयर। फाइंड द प्रोपोर्शन ऑफ कस्टमर्स ट्रैवलिंग लेस देन 1 किलोमीटर एंड द प्रोपोर्शन ट्रैवलिंग मोर देन 15 किलोमीटर्स टू द सुपरमार्केट। सबसे पहले आपने इस डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग आपके पास रेंज दी हुई है जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक, आपने इसको सॉल्व करना है। उसके बाद आपके पास यहाँ प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी एक्स इज लेस देन 1 किलोमीटर्स के अकॉर्डिंग आपने सॉल्व करना है, उसमें आपके पास रेंज हो जाएगी 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। और उसके बाद यहाँ पर आपके पास है मोर देन 15 किलोमीटर्स, यहाँ पर आपके पास रेंज हो जाएगी 15 से लेकर इन्फिनिटी तक। फिर जहाँ जहाँ आपके पास एक्स है वहाँ वहाँ आप 1 पुट करेंगे और 15 पुट करेंगे, आपके पास दो आंसर्स आ जाएंगे। उन दो आंसर्स को आप 100 से मल्टीप्लाई करवाएंगे और आपके पास परसेंटेज यानी कि प्रोपोर्शन में आंसर्स आ जाएंगे। उन दोनों प्रोपोर्शन के आंसर्स को आप यहाँ लिख कर कंपेयर कर लेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9.3 का सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं और इस पूरे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9.3 के पार्ट ए के सोल्यूशन में आपके पास यहाँ पीडीएफ मेंशन है और रेंज भी आपके पास मेंशन है। आपने सॉल्व करना है मीन। मीन का आपके पास फार्मूला आता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स। आप अपनी रेंज लिखेंगे जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक, एक्स लिखेंगे अपना पीडीएफ लिखेंगे जो कि 1/2 ई की पावर माइनस एक्स बाई टू डी एक्स। उसके बाद आपने क्या करना है कि इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स का जो मैंने आपको फार्मूला बताया है आप यहाँ पर वो पुट करेंगे जो कि है इंटेग्रल यू वी इज इक्वल्स टू यू वी इन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी प्लस इंटेग्रल जीरो टू इन्फिनिटी यू और डी वी। उसके अकॉर्डिंग आपने यहाँ से यू फाइंड आउट कर लेना है, वी फाइंड आउट कर लेना है, डी यू सॉल्व कर लेना है। तो उसके अकॉर्डिंग आपके पास यहाँ पर जो इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स की इक्वेशन बनेगी वो ये बनेगी माइनस एक्स ई की पावर माइनस एक्स बाई टू इन्फिनिटी टू जीरो प्लस इन्फिनिटी टू जीरो ई की पावर माइनस एक्स बाय टू डी एक्स। अब ये जो आपके पास फर्स्ट टर्म होती है इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स के रूल के अकॉर्डिंग ये फर्स्ट टर्म आपके पास जीरो के इक्वल आ देती है, तो रिमेनिंग आपके पास बच जाएगा जीरो टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स बाय टू डी एक्स। आप इस इक्वेशन को जो आपके पास रिमेनिंग बची है आप इसको सॉल्व करेंगे और आपके पास इसका आंसर आ जाएगा ई की पावर माइनस एक्स बाय टू डी एक्स इन्फिनिटी टू जीरो। अब आप इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे तो जो आपके पास एक्सपोनेंशियल में पावर होती है वो नीचे आकर यहाँ डिवाइड हो जाती है, ये हो जाएगा 1/2 और साथ में माइनस भी है तो ये माइनस भी आ जाएगा ई की पावर माइनस एक्स बाय टू और आप जीरो इन्फिनिटी और जीरो पुट करेंगे। जहाँ जहाँ आपके पास नेक्स्ट अब आपको क्या करना है कि माइनस 1/2 को आप ऊपर ले जाएंगे ये बन जाएगा माइनस टू ई की पावर माइनस एक्स बाय टू इन्फिनिटी टू जीरो। जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ पर आप इन्फिनिटी और जीरो पुट करेंगे तो इन्फिनिटी अगर आपके पास ई की पावर इन्फिनिटी हो तो वो जीरो की इक्वल आ जाता है और ई की पावर जीरो हो तो वो 1 की इक्वल आ जाता है। अब यहाँ पर आपके पास एक्स की जगह पर जीरो पुट करेंगे 0/2 आपके पास इक्वल आता है ई की पावर माइनस जीरो तो ई की पावर जीरो हो जाएगा 1 तो ये आपके पास बन जाएगा फर्स्ट टर्म जीरो और लास्ट वाली टर्म आ जाएगी प्लस 2। तो यानी कि मीन यानी कि म्यू का आंसर आ गया आपके पास यहाँ पर 2। नेक्स्ट अब आपने सॉल्व करना है वेरिएंस के लिए एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर, तो उसके लिए आपने यहाँ फॉर्मूला लिखना है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स डी एक्स। एफ ऑफ एक्स की जगह पर आपके पास जो पीडीएफ है आप यहाँ वो मेंशन कर देंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 1/2 ई की पावर माइनस एक्स बाय टू डी एक्स। सेम उसी तरह से जैसा कि आपने फर्स्ट में इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स अप्लाई किया यहाँ पर भी आप इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे जिसका फॉर्मूला आपके पास ये है। अब आपने यहाँ से u निकाल लेना है, v निकाल लेना है और du निकाल लेना है। u आपके पास इक्वल आ जाएगा ये जो फर्स्ट टर्म है एक्स स्केयर और 1/2 ये आपके पास u हो जाता है, ये बन जाएगा एक्स स्केयर बाई टू। यहाँ से अगर आपने एक्स स्केयर निकालना है तो वो आपके पास आ जाएगा 2u, 2 यहाँ u के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा ये आपके पास बन जाएगा ये 2 है 2u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और यहाँ पर आप इसको डेरिवेट कर लेंगे ये बन जाएगा 2du इज इक्वल टू 2x dx। यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा और आपके पास du का आंसर आ जाएगा एक्स डी एक्स जो कि यहाँ से आपके पास कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अब आपको चाहिए v। v के लिए आप लोग क्या करेंगे कि v आपके पास इक्वल होता है 1/2 के, यहाँ पर आपके पास ये जो 1/2 वाली टर्म है ये आपके पास v बनता है, लेकिन अगर आपके पास ये एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में है यानी कि फ्रैक्शन की फॉर्म में है 1/2 की फॉर्म में है तो आप इसको लिख लेंगे माइनस 2 ई की पावर और फर्दर जो रह जाएगा वो माइनस ई की पावर माइनस एक्स बाय टू डी वी आपके पास इक्वल आ जाएगा ई की पावर माइनस एक्स बाय टू। यहाँ पर डी की पावर ये कैसे सॉल्व होता है कि आपके पास जो एक्सपोनेंशियल में है वो है माइनस 1/2 तो अगर मैं यहीं पर लिख दूँ ये है 2 ई की पावर माइनस एक्स बाय टू, यहाँ से आप ऊपर से ये आपके पास माइनस एक्स बाय टू है यानी कि ये आपके पास है माइनस 1/2 तो ये आपके पास 2 ये 2 आपके पास कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस माइनस हो जाएगा आपके पास प्लस तो सिंपल आपके पास पीछे रह जाएगा ई की पावर माइनस एक्स बाई टू डी एक्स। इस तरह से ये आपके पास सॉल्व होता है।
नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है कि आपके पास जो इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स का जो मैंने आपको यहाँ बॉक्स बना दिया है, इसको आप कह देंगे इक्वेशन नंबर वन। इन सब वैल्यूज़ को आप इस इक्वेशन नंबर वन में पुट कर देंगे तो ये आपके पास इक्वल आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाय टू माइनस टू ई की पावर माइनस एक्स बाय टू जीरो टू इन्फिनिटी माइनस जीरो टू इन्फिनिटी माइनस टू ई की पावर माइनस एक्स बाय टू एक्स डी एक्स। अब ये माइनस टू और ये माइनस टू कैंसिल हो जाएगा क्योंकि आपके पास यू का आंसर था एक्स स्क्वायर बाय टू और वी का आपके पास आंसर था माइनस टू, तो ये टू कैंसिल हो जाएगा और आपके पास सिंपल पीछे आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स बाय टू, और ये माइनस इसको कर देगा प्लस, ये बन जाएगा टू एक्स ई की पावर माइनस एक्स बाय टू डी एक्स। अब आपने एज पर रूल इस पूरे फार्मूले को कर देना है ज़ीरो, तो आपके पास ये जो पीछे एक्स ई की पावर माइनस एक्स बाय टू डी एक्स, आप इसको लेट कर लेंगे, ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स के इक्वल है, यानी कि जो आपके पास पी डी एफ मेंशन है वो आपके पास है एक्स ई की पावर माइनस एक्स बाय टू वन बाय डिवाइडेड बाय वन बाय टू। तो आपने इस पूरे टर्म को एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स के इक्वल ले लेना है, एज पर पी डी एफ के वहाँ पर वन बाय टू भी है, तो उस वन बाय टू को आप नीचे डिवाइड कर देंगे। ये वन बाय टू जब ऊपर जाएगा तो ये टू टू से मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा फोर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का यहाँ से आपके पास आंसर आया है टू, तो आप इस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स की जगह पर पुट कर देंगे टू, फोर टू हज़ार एट, आपके पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर का आंसर आ जाएगा एट। अब नेक्स्ट आपने इन दोनों वैल्यूज़ को पुट करना है वेरिएंस के फार्मूले में। वेरिएंस का फार्मूला आपके पास कुछ इस तरह से, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर एट माइनस टू स्क्वायर, या आपके पास वेरिएंस ऑफ एक्स का आंसर आ जाएगा फोर। अब नेक्स्ट इन्होंने कहा है कि आपने सॉल्व करना है एमजीएफ। एमजीएफ का आपके पास फार्मूला होता है जीरो टू इन्फिनिटी ई टी एक्स वन बाय टू ई की पावर माइनस एक्स बाय टू डी एक्स। अब आपने वन बाय टू को बाहर ले लेना है जीरो टू इन्फिनिटी ई की पावर। अब आपने इस माइनस एक्स बाय टू और ये टी एक्स, ये दोनों के वेरिएबल्स के अंदर एक्स आ रहा है, तो आपने इसको सॉल्व कर लेना है। एक्स को आप बाहर ले लेंगे और ये माइनस वन बाय टू आ जाएगा और माइनस टी आ जाएगा, एक्स आपके पास बाहर आ जाएगा और डी एक्स, ये आपके पास एक्स नॉट नहीं है, ये आपके पास जीरो इसके साथ रेंज का सिर्फ एक्स है डी एक्स। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है कि आप इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे, जो आपके पास पार में होता है वो नीचे आ जाता है, आपके पास यहाँ आ जाएगा माइनस ई की पार वन बाय टू माइनस ई की पार माइनस वन बाय टू माइनस टी एक्स एज इट इज़ रहा, और जो पार में था वन बाय टू माइनस टी वो आपके पास एज इट इज़ नीचे आ जाता है, तो वो आप लोग नीचे लिखेंगे। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे इन्फिनिटी और जीरो पुट करेंगे तो आपके पास इक्वल आ जाएगा जीरो और वन, पीछे रहेगा आपके पास वन बाय टू और वन बाय टू माइनस टी। अब आप इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे और आपके पास एम जी एफ का आंसर आ जाएगा वन बाय वन माइनस टू टी। यहाँ तक आपके पास एम जी एफ सॉल्व हो गया। नेक्स्ट अब आपने सॉल्व करनी है दो प्रॉबिलिटीज़। नंबर वन है आपके पास प्रॉबिलिटी एक्स इज ग्रेटर देन थ्री, और सेकेंड है आपके पास प्रॉबिलिटी एक्स इज ग्रेटर देन फाइव गिवन डेट प्रॉबिलिटी एक्स इज ग्रेटर देन टू। सबसे पहले हम ये सॉल्व कर लेते हैं। इसका मैंने आपको बताया है कि आपके पास एक्स इज ग्रेटर देन थ्री है, इसका मतलब ये है आपके पास जो रेंज है वो थ्री से लेकर इन्फिनिटी तक चली जाएगी। आगे आप अपना वही पी डी एफ लिखेंगे जो आपके पास है, जो कि है वन बाई टू ई की पावर माइनस एक्स बाई टू डी एक्स। अब आप इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे, ये आपके पास आ जाएगा ई की पावर माइनस वन बाई टू, और ई की पावर माइनस वन बाई टू होने की वजह से मैं आपको यहाँ करके भी दिखा देती हूँ, जो आपके पास पार में होता है जैसे कि माइनस एक्स को छोड़ के सिर्फ आपके पास पीछे बचा माइनस वन बाई टू, क्योंकि आप वेरिएबल को नीचे नहीं लेके आते सिर्फ पार को देखते हैं, तो यह है वन बाई टू, और जब ये नीचे आएगा तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस टू, क्योंकि वन बाई टू है तो नीचे आएगा तो माइनस टू हो जाएगा, और ये आपके पास टू टू कैंसिल आउट हो जाएगा, ई की पावर माइनस एक्स बाई टू एज इट इज़ रहेगा डी एक्स, और रेंज है थ्री टू इन्फिनिटी, तो ये आपके पास टू टू से कैंसिल आउट हो जाएगा, पीछे आप लोगों के पास सिंपल रह जाएगा माइनस ई की पावर माइनस एक्स बाई टू इन्फिनिटी टू थ्री। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है कि जहाँ जहाँ पर एक्स है वहाँ वहाँ पर आपने इन्फिनिटी और थ्री पुट करना है। सबसे पहले जब आप यहाँ पर एक्स की जगह पर इन्फिनिटी पुट करेंगे वो इक्वल आ जाएगा जीरो, और नेक्स्ट आपने जब यहाँ पर पुट करना है थ्री तो यह आ जाएगा माइनस थ्री बाय टू, माइनस थ्री बाय टू इक्वल होता है माइनस वन पॉइंट फाइव के, ई की पावर माइनस वन पॉइंट फाइव आपके पास आंसर आता है जीरो पॉइंट डबल टू थ्री वन थ्री जीरो। यहाँ तक आप लोगों के पास प्रॉबिलिटी एक्स इज ग्रेटर देन थ्री सॉल्व हो गया। नेक्स्ट अब आपने इसका लास्ट पार्ट सॉल्व करना है जो कि प्रॉबिलिटी एक्स इज ग्रेटर देन फाइव गिवन डैट एक्स इज ग्रेटर देन टू। तो गिवन डैट का मतलब है कि जो आपके पास फर्स्ट टर्म है वो न्यूमिनेटर बन जाएगा और जो सेकंड टर्म है वो आपके पास डिनोमिनेटर आ जाएगा, तो एक्स ग्रेटर देन टू नीचे आ जाएगा और एक्स ग्रेटर देन फाइव आपके पास ऊपर आ जाएगा। फर्स्ट वाले की रेंज आ जाएगी फाइव टू इन्फिनिटी, सेकंड की रेंज आ जाएगी टू टू इन्फिनिटी, और बाकी आपके पास पी डी एफ एज इट इज़ रहेगा। उसी तरह से आप सॉल्व करेंगे जैसे कि मैं आपको ये समझा चुकी हूँ, ई की पावर माइनस एक्स बाय टू ई की पावर माइनस एक्स बाय टू दोनों में सेम रहेगा। सबसे पहले आपने इस एक्स की जगह पर इन्फिनिटी पुट करना है जिससे आंसर आ जाएगा जीरो, यहाँ पर भी जीरो आ जाएगा। उसके बाद आपने माइनस फाइव बाई टू करना है, यानी कि इस एक्स की जगह पर फाइव पुट करना है, ये आ जाएगा ई की पावर माइनस फाइव बाई टू और ये हो जाएगा ई की पावर माइनस टू बाई टू। ये टू कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर सबसे पहले ऊपर आ जाएगा माइनस टू पॉइंट फाइव और नीचे आ जाएगा ई की पावर माइनस वन, क्योंकि ये कैंसिल हो गया।
e की पावर माइनस 2.5 इक्वल होता है 0.0821 और e की पावर माइनस 1 इक्वल होता है 0.3679। डिवाइड कर लेंगे और आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 0.2232। यहाँ तक आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 9.3 का पार्ट ए कम्प्लीट हुआ है। नेक्स्ट अब हमने सॉल्व करना है 9.3 का पार्ट बी, जिसमें आपने सॉल्व करना है प्रोबेबिलिटी एक्स इज लेस देन और इक्वल्स टू 1 के अकॉर्डिंग, और आपके पास पीरियड है 1/5 ई की पावर माइनस एक्स बाय 5 और आपके पास रेंज है 0 से लेकर 1 तक। सबसे पहले आप एज पर प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग आप यहाँ अपना पीडीएफ लिखेंगे, जो कि है 1/5 ई की पावर माइनस एक्स बाय 5 डी एक्स रेंज लिखेंगे 0 to 1। उसके बाद नेक्स्ट आप इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पर है 1/5 उसी तरह से 1/5, और जब आप ऊपर से जो पार है वो भी है माइनस 1/5, तो जब ये नीचे आएगा तो ये बन जाएगा माइनस 5। तो ये 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, सिंपल आप लोगों के पास पीछे रह जाएगा, ये मैं यहाँ प्लस कर देती हूँ क्योंकि जो माइनस है वो यहाँ शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो ये आपके पास जो माइनस है इस वाली टर्म का यहाँ पर बीच में माइनस है, लेकिन वो माइनस यहाँ शिफ्ट हो गया तो इस वजह से ये यहाँ पर माइनस आ गया। तो ये आपने टर्म में आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखा है। ठीक है, तो ये आपके पास एलिमिनेट हो जाएगा और ये माइनस का साइन आपके पास यहाँ आ जाएगा, या फिर मैं इस तरह भी कर सकती हूँ। ठीक है, तो ये माइनस का साइन आप यहाँ नीचे समझ सकते हैं, ई की पावर माइनस एक्स बाई 5, ये आपके पास फुल फॉर्म बन गई, जिसको आप सॉल्व करके आपके पास पीछे आंसर आ जाएगा माइनस ई की पावर माइनस एक्स बाई 5। अब जहाँ जहाँ पर एक्स है वहाँ वहाँ पर आप 0 और 1 पुट करेंगे। सबसे पहले आप ये पुट करेंगे, ये बन जाएगा माइनस 1/5 और ये बन जाएगा ई की पावर 0। ई की पावर 0 इक्वल होता है 1 के, ई की पावर माइनस 1.5 आपके पास इक्वल आएगा, कैलकुलेटर में करेंगे आप ई की पावर 0 है तो आप इसको पहले लिख लें और ये माइनस वाली टर्म है तो आप इसको बाद में लिख लें। 1 - 0.8187 आ जाएगा, 1 में से माइनस करेंगे और आपके पास प्रोबेबिलिटी x इज़ लेस देन इक्वल टू 1 का आंसर आ जाएगा 0.1813। अब नेक्स्ट आपने क्या सॉल्व करना है, आपने प्रोबेबिलिटी x इज़ ग्रेटर देन 15 के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। आपने एक 1 किलोमीटर के अकॉर्डिंग सॉल्व किया, अब नेक्स्ट आपने 15 किलोमीटर्स के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है, तो चलें हम लोग वो सॉल्व कर लेते हैं। अब नेक्स्ट जो आपने सॉल्व करना है वो है प्रोबेबिलिटी एक्स इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 15, यानी कि मोर देन 15 किलोमीटर्स के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। आप अपना पीडीएफ लिखेंगे, आपके पास रेंज आ जाएगी 15 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स बाय 5। उसी तरह से आपके पास इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा माइनस ई की पावर माइनस एक्स बाय 5। जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ पर आप एक्स इन्फिनिटी और 15 पुट करेंगे, इन्फिनिटी पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0, और 15 बाय 5 पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3, क्योंकि 5 1s are 5 एंड 5 3s are 15। ई की पावर माइनस 3 आ जाएगा, ई की पावर माइनस 3 कैलकुलेटर पे करेंगे और आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 0.0498। अब आपने क्या करना है कि आपके पास जो दोनों आंसर्स हैं, नंबर 1 पे आपके पास जो प्रोबेबिलिटी एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू 1 का आंसर था वो था 0.1813, आपने उसको 100 से मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास आंसर आ जाएगा 18.1, और इसको आप परसेंट में लिख देंगे और यहाँ पर जो आंसर है 0.0498, इसको आप जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा 4.98%। तो आपने यहाँ लिखना है द प्रोपोर्शन ऑफ कस्टमर्स आर 18.13% एंड 4.98%। यहाँ तक आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 9.3 भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9.4। क्वेश्चन नंबर 9.4 की आपके पास स्टेटमेंट है पार्ट ए की, शो दैट द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द डेंसिटी फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अल्फा ई की पावर माइनस अल्फा एक्स। ये आपके पास ए नहीं है बल्कि अल्फा है, अल्फा ई की पावर माइनस अल्फा एक्स, वेयर एक्स टेक्स ऑल द वैल्यूज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी इज 1/अल्फा। सबसे पहले आप लोगों ने सॉल्व करना है स्टैंडर्ड डेविएशन, और आपके पास जो यहाँ पर पीडीएफ दिया हुआ है वो है अल्फा ई की पावर माइनस अल्फा एक्स। सबसे पहले आप नॉर्मल जिस तरह से आप मीन सॉल्व करते हैं वो सॉल्व करेंगे, और उसके बाद जो आपके पास वेरियंस निकलता है वो भी सॉल्व करेंगे, और उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये सारे आंसर्स निकलेंगे। जब आप सबसे पहले इस स्टैंडर्ड डेविएशन को सॉल्व कर लेंगे आपके पास एंड में आंसर आना चाहिए 1/अल्फा, और यही आपके पास आना चाहिए। आपके पास रेंज 0 टू इन्फिनिटी पीडीएफ ये दे दिए, स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर इन्होंने ये दे दिया है। उसके बाद आपने पार्ट बी में क्या करना है, राइट डाउन द एमजीएफ फॉर द डिस्ट्रीब्यूशंस गिवन बाय, आपने यहाँ पर एमजीएफ सॉल्व करना है जिसका पीडीएफ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/अल्फा ई की पावर माइनस अल्फा एक्स। ये भी आपके पास अल्फा है, ई नहीं है। उसके बाद आपने ये आपके पास ए है, ये आपके पास अल्फा है, ये है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/ए ई की पावर माइनस एक्स बाय ए। ये आपके पास ए है, ये आपके पास अल्फा है। ड्राइव द फर्स्ट फोर मोमेंट्स अबाउट द मीन, आपने इस पीडीएफ के अकॉर्डिंग इसका सबसे पहले एमजीएफ सॉल्व करना है और उसके बाद आपने इससे फर्स्ट फोर मोमेंट्स अबाउट मीन सॉल्व कर लेना है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9.4 को स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 9.4 के पार्ट ए में सबसे पहले आपके पास यहाँ पीडीएफ दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अल्फा ई की पावर माइनस अल्फा एक्स। सबसे पहले आप लोगों ने सॉल्व करना है मीन, जो कि है आपके पास फार्मूला माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स अल्फा ई की पावर माइनस अल्फा एक्स डी एक्स। अब आपने इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स करना है, तो आपके पास यहाँ पर जो
यू यानी कि आपके पास जो यहाँ x की वैल्यू आ जाएगी वो आपके पास इक्वल आ जाएगी, यहाँ पर जो x है वो आपके पास u के इक्वल आ जाएगा, dx आप लोगों के पास इक्वल आ जाएगा डी यू के, v आपके पास इक्वल आ जाएगा माइनस e की पावर माइनस अल्फा x, और dv आपके पास इक्वल आ जाएगा अल्फा e की पावर माइनस अल्फा x dx। अब आपके पास जो फार्मूला है उसके अकॉर्डिंग आप सारी वैल्यूज़ को पुट करेंगे, आप इसको सॉल्व करेंगे, आपके पास जो फर्स्ट टर्म है वो जीरो के इक्वल आ जाएगी, और आपके पास सिंपल ये वाली फॉर्म रह जाएगी, तो ये आपके पास इक्वल आ जाएगा ये माइनस ई की पावर माइनस अल्फा एक्स एक्स डिवाइडेड बाय अल्फा, क्योंकि आपके पास जो अल्फा है वो माइनस के साथ है, तो ये माइनस आपके पास नीचे आ जाएगा। अगर आपके पास कोई भी टर्म ई की पावर में अगर आपके पास फ्रैक्शन में होगी, लेट सपोज यहाँ वन बाय अल्फा होता, तो आपके पास जब वो चीज़ नीचे आएगी और साथ में माइनस भी हो, तो वो जब चीज़ नीचे आएगी तो आप यहाँ लिखेंगे माइनस अल्फा, जैसे कि यहाँ पर है आपके पास माइनस अल्फा, तो जो चीज़ आपके पास नीचे आएगी वो बन जाएगी माइनस वन बाय अल्फा। तो ये आपके पास फ़र्क है, जैसा कि पहले आपके पास माइनस वन बाय फाइव था, तो जब वो नीचे आया तो माइनस फाइव हो गया, और यहाँ पर माइनस अल्फा है, तो जब ये नीचे आएगा तो ये बन जाएगा माइनस अल्फा वन बाय अल्फा, तो आप नीचे लिख देंगे। उसके बाद जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ पर आपने इन्फिनिटी और जीरो पुट करना है, आपके पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का आंसर आ जाएगा वन बाय अल्फा। अब नेक्स्ट आपने स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए सॉल्व करना है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स के, जिसका फॉर्मूला है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स के एफ ऑफ एक्स डी एक्स, आप यहाँ सारी वैल्यूज़ को पुट करेंगे, उसी तरह से आप लेट करेंगे इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स के लिए, ये इसका फॉर्मूला इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स का। अब जो जो चीज़ें आपने यहाँ से लेट कर ली उन सब चीज़ों को इस इक्वेशन में पुट कर लेंगे, और आपके पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स के का भी आंसर आ जाएगा, और आपके पास इसको सॉल्व करने से इसका आंसर आ जाएगा टू बाय अल्फा स्क्वायर। अब यहाँ तक आपने सारी वैल्यूज़ को वेरिएंस के फार्मूले में पुट कर देना है, वेरिएंस ऑफ एक्स का फार्मूला एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, टू बाय अल्फा स्क्वायर माइनस वन बाय अल्फा स्क्वायर, वेरिएंस ऑफ एक्स का आंसर आ जाएगा वन बाय अल्फा स्क्वायर। और आपने स्टैंडर्ड डेविएशन सॉल्व करना है तो उसके अकॉर्डिंग आपके पास आंसर आ जाएगा वन बाय अल्फा, और यही आपके पास आना चाहिए, और यही आपके पास आंसर आ रहा है। यहाँ तक आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 9.4 का पार्ट ए सॉल्व हो गया। नेक्स्ट हमने सॉल्व करना है पार्ट बी। पार्ट बी की आपके पास स्टेटमेंट है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन बाय ए, ये आपके पास अल्फा नहीं है बल्कि ए है, मैंने यहाँ अल्फा लिख दिया था, तो जहाँ जहाँ अल्फा है मैंने उस पर रिप्लेस करके ए कर दिया, वन बाय ए ई की पावर माइनस एक्स बाय ए, और आपके पास जो रेंज है वो है जीरो से लेकर अल्फा तक। सबसे पहले आपने एम जी एफ सॉल्व करना है, जिसका आपके पास फॉर्मूला है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई टी एक्स इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी ई टी एक्स, आगे आप अपना एफ ऑफ एक्स का फंक्शन लिखेंगे और डी एक्स लिखेंगे। अब आपने वन बाय अल्फा को बाहर ले लेना है, और ये ई टी एक्स और ये ई की पावर माइनस एक्स बाय अल्फा को सॉल्व कर लेना है ए, तो ये आ जाएगा ई की पावर माइनस एक्स वन बाय ए माइनस टी डी एक्स। अब आप इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे, ये जो वेरिएबल में आपके पास है वन बाय अल्फा माइनस टी, ये नीचे आ जाएगा वन बाय अल्फा माइनस टी, और साथ में माइनस भी आ जाएगा, और इसका आपके पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई टी एक्स का आंसर आ जाएगा वन बाई ए ए वन माइनस ए टी, ये ए इस ए से कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास सिंपल इसका आंसर आ जाएगा वन बाय वन माइनस ए टी, और इसको आप ऊपर ले जाएंगे तो ये वन माइनस ए टी माइनस में आ जाएगा। अब आपने इसकी सीरीज़ बना लेनी है, जो कि आएगा वन प्लस ए टी प्लस ए स्क्वेयर टी स्क्वेयर प्लस ए क्यूब टी क्यूब प्लस सोन। अब यहाँ से अगर आप म्यू वन निकालें तो म्यू वन, अब आप टी को इग्नोर कर दें तो आपके पास ये जो म्यू वन अगर आप सपोज करें तो इस म्यू वन के नीचे वन अल्फा भी है, इसके नीचे टू अल्फा है, इसके नीचे आपके पास थ्री अल्फा है प्लस सोन। तो आपने क्या करना है कि इस टू को आप ऊपर ले जाएंगे, वन को अगर आप ऊपर लेके जाएंगे तो ये सिंपल ए आएगा, म्यू वन आपके पास इक्वल आ जाएगा ए, और अगर आप इस टू को ऊपर ले जाएं तो ये आ जाएगा आपके पास टू ए स्क्वेयर, तो यहाँ म्यू टू का आंसर आ जाए, थ्री आपके पास इक्वल होता है थ्री फैक्टोरियल इक्वल होता है सिक्स के, सिक्स को आप ऊपर ले जाएं ये इक्वल आ जाएगा सिक्स ए क्यूब, और फोर फैक्टोरियल आपके पास इक्वल होता है ट्वेंटी फोर के, तो ट्वेंटी फोर ए फोर। यहाँ तक आपके पास म्यू वन म्यू टू म्यू थ्री म्यू फोर प्राइम्स के आंसर निकल आए। अब नेक्स्ट आप लोगों ने सॉल्व करना है फर्स्ट फोर मोमेंट अबाउट मीन। अब नेक्स्ट आपने यहाँ तक सॉल्व करने के बाद नेक्स्ट आपने सॉल्व करना है मोमेंट्स अबाउट मीन। आपके पास जो म्यू वन प्राइम म्यू टू प्राइम म्यू थ्री प्राइम और म्यू फोर प्राइम की जो वैल्यूज़ हैं आपने उन इसको यहाँ मोमेंट्स अबाउट मीन के फार्मूले में पुट करना है। म्यू वन का आपके पास फार्मूला है म्यू वन प्राइम माइनस म्यू वन प्राइम, जो कि आ जाएगा जीरो। म्यू टू का आपके पास फार्मूला है म्यू टू प्राइम माइनस म्यू वन प्राइम का स्क्वायर, आप सारी वैल्यूज पुट करेंगे इसका आंसर आ जाएगा ए स्क्वायर। म्यू थ्री का आपके पास फार्मूला है म्यू थ्री प्राइम माइनस म्यू वन प्राइम म्यू टू प्राइम प्लस टू म्यू वन प्राइम क्यूब, सारी वैल्यूज को पुट करेंगे आपके पास म्यू थ्री का आंसर आ जाएगा टू ए क्यूब। लास्ट में आपके पास म्यू फोर है, जिसका आपके पास फार्मूला है म्यू फोर प्राइम माइनस फोर म्यू वन प्राइम म्यू थ्री प्राइम प्लस सिक्स म्यू वन प्राइम स्क्वायर म्यू टू प्राइम माइनस थ्री म्यू वन प्राइम फोर, ये सारी वैल्यूज़ को आप यहाँ पर भी पुट करेंगे इसका आंसर आ जाएगा नाइन ए फोर। यहाँ तक आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 9.4 कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9.5। नेक्स्ट अब आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 9.5 की स्टेटमेंट है गिवन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स ई की पावर माइनस एक्स, आपके पास यहाँ पी डी एफ दिया हुआ है, आपके पास इसकी रेंज है जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक,
जीरो एल स्क्वेयर। फाइंड द फर्स्ट फोर मोमेंट यूजिंग मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। आपने फर्स्ट फोर मोमेंट सॉल्व करने हैं मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन के अकॉर्डिंग। आपने सबसे पहले मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन निकाल लेना है और उसके बाद आपने फर्स्ट फोर मोमेंट्स निकाल लेने हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9.5 को स्टार्ट करते हैं और इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9.5 के सोल्यूशन में सबसे पहले आपने यहाँ पीडीएफ लिख लेना है जो कि है एक्स ई की पावर माइनस एक्स। सबसे पहले आपने एमजीएफ सॉल्व कर लेना है जिसका आपके पास फॉर्मूला है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई टी एक्स। रेंज है आपके पास 0 से लेकर इन्फिनिटी तक ई टी एक्स। आप अपना पीडीएफ लिखेंगे एक्स ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स। अब उसके बाद अब आपने इसको सॉल्व कर लेना है ई टी एक्स और ई की पावर माइनस एक्स को कंबाइन कर लेना है। यह आपके पास बन जाएगा एक्स ई ई की पावर माइनस एक्स 1 माइनस टी डी एक्स। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है कि यहाँ से आपने लेट कर लेना है एक्स 1 माइनस टी जो आपके पास ऊपर ई की पावर पार है उसको आपने यू के इक्वल लेट कर लेना है। आपने यहाँ डेरीवेट करना है। अगर आपने यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालनी है तो 1 माइनस टी को यू के साथ नीचे डिवाइड करना है। आपके पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी यू डिवाइड बाय 1 माइनस टी। डी यू निकालेंगे वो आ जाएगा डी एक्स 1 माइनस टी और यहाँ से डी एक्स आ जाएगा। यहाँ से आपने 1 माइनस टी को डी यू के साथ नीचे डिवाइड कर देना, ये बन जाएगा डी यू डिवाइड बाय 1 माइनस टी। अब इन सारी वैल्यूज़ को आपने इस जगह पर पुट करना है, ये आ जाएगा 0 टू इन्फिनिटी यू डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी ई की पावर माइनस यू डी यू डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, ये 1 माइनस टी, ये 1 माइनस टी हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वेयर 0 टू इन्फिनिटी यू ई की पावर माइनस यू डी यू। नेक्स्ट अब आपके पास जो 0 टू इन्फिनिटी यू ई की पावर माइनस यू डी यू है वो आप लोगों के पास इक्वल आ जाएगा, ये माइनस 1 है। माइनस 1 के अंदर आपने गामा फंक्शन बनाना है, माइनस 1 माइनस 1 ये हो जाएगा गामा ऑफ 2। आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी स्क्वेयर गामा ऑफ 2। गामा ऑफ 2 आपके पास इक्वल होता है 1 के। आपने 1 माइनस टी को अगर आप ऊपर ले जाएंगे ये बन जाएगा 1 माइनस टी की पावर माइनस 2। अब आपने यहाँ से म्यू 1 प्राइम म्यू 2 म्यू 3 और म्यू 4 निकाल लेना है तो वो आपके पास आ जाएंगे। आपके पास ये सीरीज बन जाएगी 1 प्लस 2 टी प्लस 3 टी स्क्वेयर प्लस 4 टी क्यू प्लस 5 टी 4 प्लस ऑन। यहाँ से आप सीरीज बना लेंगे, ये बन जाएगा 1 प्लस 2 टी, टी आपने सेपरेट कर देना है, यह आ जाएगा 3 मल्टीप्लाइड 2 फैक्टोरियल टी स्क्वेयर डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल प्लस 4 मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल टी क्यूब डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल प्लस सोन। यहाँ से आपके पास म्यू 1 का आंसर आ जाएगा 2, म्यू 3 का आंसर आ जाएगा ये 3 टू जार 6, म्यू 3 का आपके पास आंसर आ जाएगा 4 3 जार 24 और म्यू 4 का आ जाएगा 5 और 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 120। यहाँ तक आपके पास म्यू 1 प्राइम, ये आपके पास सारे प्राइम के आंसर है, म्यू 1 प्राइम म्यू 2 प्राइम म्यू 3 प्राइम और म्यू 4 प्राइम के आपके पास आंसर निकला है। नेक्स्ट अब आपने सॉल्व करने हैं मोमेंट्स अबाउट मी जिसका आपके पास फॉर्मूला है म्यू 1 इज इक्वल टू म्यू 1 प्राइम माइनस म्यू 1 प्राइम। सॉल्व करने के आंसर आ जाएगा 0, म्यू 2 का है म्यू 2 प्राइम माइनस म्यू 1 प्राइम स्क्वेयर, आंसर आ जाएगा 2। म्यू 3 प्राइम का आपके पास ये वाला फॉर्मूला है, सारी वैल्यूज़ को पुट करेंगे म्यू 3 का आंसर आ जाएगा 4 और म्यू 4 के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सारी वैल्यूज़ को पुट कर लेंगे, म्यू 4 का आंसर आ जाएगा 24। यहाँ तक आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 9.5 भी कंप्लीट हो गया और आज की वीडियो भी हमारी यहीं तक कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बने बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। आज की वीडियो के लिए थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।